हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अस्मा असगर रिजवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप। आज की मैंने लुक क्रिएट की है। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है, तो आए देखते हैं। सबसे पहले हम फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 24 के गोल्ड सिरम। कोको कवर का ये सिरम है, इससे फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे और इसको अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। अब यूज़ कर रही हूँ मैं ओरी फ्लेम का प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है ये, और थोड़ा सा इल्यूमिनेट कर देता है स्किन को और पोर्स भी मिनिमाइज़ कर देता है, और बेस बहुत अच्छे से लग जाती है इस पर। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एज रिवाइंड कंसीलर। कंसीलर का शेड है मेरा फेयर क्लियर। क्योंकि हम बहुत ही सटल सा लाइट पिंक मेकअप कर रहे हैं, तो कंसीलर लगाएंगे ताकि शेड उभर के सामने आए और पिंक कलर बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ कंसीलर हो गया डन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हेमा का लूज पाउडर, ताकि कंसीलर की एक फिनिश लुक आ जाए। अच्छी तरीके से पाउडर अप्लाई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा कैनवस मिल जाए हमें। ये लुक बहुत ही सटल सा है, बहुत ही खूबसूरत सा, टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की टी पिंक आई क्रीम आई बेस। यहाँ मैंने शेड यूज़ किया हुदा पैलेट में से पिंक व्हील गैलेक्सी। इसको आईज़ में अच्छी तरीके से एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने अप्लाई कर लिया है, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा पैलेट में से पंच पिंक, और बहुत अच्छा सा मैट कलर है ये। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर, और ग्लिटर है कॉस्मो कंपनी का ग्लिटर है, और ये ख़ुद स्टिक हो जाता है, इसके लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। और इसका शेड जो है वो मल्टी कलर है, इसमें पिंक ब्लू, मतलब इस टाइप के मल्टी शेड्स हैं। कैमरा इतनी अच्छी तरीके से इसको कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन ये सामने से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। टोटली रिकमेंडेड bomb.com। यहाँ यूज़ किया है मैंने इंग्लॉट का लाइनर। यहाँ मैंने लाइनर को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, ताकि लाइनर अच्छी तरीके से समझ आ सके कि किस तरीके से मैंने लगाया है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और उसको स्लोली स्लोली बिल्डअप करना है आईलाइनर को, और जिस टेक्निक से मैंने आईलाइनर बताया है उससे आपकी छोटी आईज़ भी बड़ी लगेंगी और अच्छा लुक क्रिएट होगा। यहाँ मैंने इनर कॉर्नर के लिए यूज़ किया है मिनीसो का आईलाइनर मार्कर, और ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा इसको ड्रैग करके लगाना है, इससे अच्छी सी डेफिनेशन आ जाती है आईज़ में और आँखें बड़ी लगती हैं। यहाँ मैंने सेम ब्रश के साथ जो सारे कलर ऊपर वाली आईलिड में यूज़ किए हैं वही मैं नीचे कर रही हूँ, और थोड़ा सा लाइन का डॉटेड डॉटेड करके मैंने आई के नीचे डेफिनेशन देने के लिए लगा। अब उसको ब्लेंड कर देंगे। अब वही दोनों कलर लेके जो हमने ऊपर आईलिड पे लगाया उससे इसको थोड़ा सा स्मोक आउट कर देंगे, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेरी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से नीट लुक नहीं आ रहा था, तो मैंने एक ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रोज़ को शेप कर लिया है। और ज़्यादा नीट लुक के लिए हम कंसीलर को यूज़ करेंगे, नीट और भी ज़्यादा नीट लुक देने के लिए। यहाँ मैंने कंसीलर लगा लिया है आईब्रोज़ के नीचे ऊपर तक,
बिल्कुल नीट हो जाए आईब्रोज। थोड़ा सा मैंने कंसीलर विंग पे भी लगा दिया ताकि और डिफाइन हो जाए विंग। और यहाँ मैं कलर इंस्टीट्यूट का आई हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर के लिए और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ मैंने लेंसेज वेयर कर लिए हैं और अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का लैश प्रिंस लैश मस्कारा। बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा था, पहले मैंने सोचा था फॉल्स लैशेज यूज़ करूँ लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही फॉल्सी लुक ही दे रही थी, लेकिन फॉल्स लैशेज यूज़ कर लेती तो अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छा और ड्रामेटिक लुक आ जाता जो कि आप किसी शादी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिवाज की वाइट पेंसिल मैं यूज़ करी हूँ वाटर लाइन पे और अब यूज़ करेंगे हुदा फाउंडेशन का फोटो फिनिश जिसमें मेरा शेड है वनीला 120B और इसको मैं एक कबूकी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी और ये ब्रश से बहुत अच्छे से लग जाता है और ज़्यादा इसकी हाई कवरेज होती है। ये वाली फाउंडेशन मैं जो है वो इसी से ब्लेंड कर लेती हूँ ब्रश के साथ, इसमें डैम स्पंज की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं ब्राउन्ज़र और ब्राउन्ज़र का आपको पता है मुझे नाम बिल्कुल भी मिट चुका है इस पे से और इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। एक ब्राउन्ज़र आप किसी भी कंपनी का ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का बाउंसी ड्रीम ब्लश, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका, बिल्कुल क्रीमी सा है, बिल्कुल ही सॉफ्ट पिंक लाइट सा कलर है इसका। अब यहाँ यूज़ करेंगे हम रेवलॉन की फॉक्स हाइलाइटिंग स्टिक। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की एम्पलीफाइड बुलेट लिपस्टिक और बहुत अच्छा सा पिंक कलर है ये। तो ये थी फाइनल लुक, सो इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। ये थी आज की फाइनल लुक, अगर आपको ये लुक पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं मुझे बहुत याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है।